मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची जालौन। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की गृहनगर पहुंची कोच। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के निधन पर जताया शोक। भारत सरकार में खाद्य उपभोक्ता मामले एवं वितरण में राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, राम मंदिर को चुनाव से ना जोड़ा जाए। राहुल गांधी के बयान पर बोली केंद्रीय राज्य मंत्री, मंदिर आस्था का केंद्र है न कि राजनीति का। असम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ पर बोली, यात्राएं हमने भी निकाली लेकिन कभी कहीं तोड़फोड़ नहीं की। बिहार में उनकी यात्रा को लालू सरकार ने रोका लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। ये बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं जालौन से, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के गृहनगर कोंच पहुंची हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री की पत्नी के निधन पर इस दौरान उन्होंने शोक जताया। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मंदिर आस्था का केंद्र है न कि राजनीति का। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। वरिष्ठ मंत्री और एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी की, श्रीमती राममूर्ति वर्मा जी का आकस्मिक निधन हुआ। और मुझे परसों ही जानकारी मिली थी, क्योंकि एक तो हमारा बहुत पुराना लगाव है परिवार से, और ख़ास तौर भानु जी से बहुत एक सज्जनता, और मेरा बहुत पुराना परिचय है। जब ये विधायकी का चुनाव लड़ते थे तब भी मैं आती थी। ऐसे दुख की घड़ी में आई हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उनका जो सपना था, ये बस अभी बताया मंत्री जी ने कि कह रही थी हमें 22 तारीख को अयोध्या ले चलो। भगवान की इच्छा थी, ससरी नहीं पहुँच सकी, लेकिन कल उनकी अस्थि विसर्जन गंगा जी में हुई है। भगवान अपनी शरणागति लें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इस पूरे परिवार को दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे, ईश्वर से प्रार्थना है। आपने अयोध्या की बात की, कल राम मंदिर पार्क प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस तरीके से आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए, मुझे अभी लग रहा है क्योंकि मैं आज यहाँ दुख प्रकट करने आई हूँ, तो ऐसे मौके में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कल इतना आनंद का क्षण रहा है, उस आनंद को अपने अंदर समझो, संजो करके। और आपने एक बात कही कि अगला चुनाव क्या होगा, चुनाव अपनी जगह है और राम मंदिर अपनी जगह है, जिसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं की एक भावनाएं जुड़ी है, देश की जनता की भावनाएं जुड़ी है। और कल आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत ही नहीं, विश्व में भारत राम को मानने वाले विश्व के कोने में कहीं भी हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो कल एक नए तरह से भारत की शुरुआत हुई है, और मैं कह सकती हूँ कि आस्था का यदि सैलाब कल कहीं दिखाई पड़ रहा था, तो पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा था।